अल्लाह ताला ये ख्वाब क्यों दिखाता है बंदों को? और ये एक ऐसा अमल है कि जो इंसान जिस पे काबू नहीं पा सकता, जो इंसानी डिस्कवरी से बाहर है कि ऐसा क्यों हुआ। आप देखें कि इंसान दो चीजों का मजमुआ है, एक उसका जिस्म है और एक उसकी रूह है। जहां ये दोनों आपस में एक दूसरे से मुवाफकत करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वहां ये एक दूसरे से कशमकश भी करते हैं। बाज़ात जिस्मानी ख्वाहिशात रूह पर गालिब आ जाती, बाज़ात रूहानी कैफियत जिस्म पर गालिब आ जाती। आमतौर पर दिन में जब हम दुनिया के काम कर रहे होते हैं तो हमारा जिस्म एक्टिव होता है और उसका नतीजा क्या होता है कि रूह की जो कार फरमाई है वो जरा लो हो जाती। रात को जब हम सोते हैं और जिस्म हमारा बिल्कुल बेहिस हो जाता है तो फिर रूह जो है वो उभर कर आती है, उसकी कार फरमाई बढ़ती है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाती। फिर आपको कुरान की वो आयत भी याद होगी कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान सोता है तो हम उसकी एक रूह ले लेते हैं, जिसको जिंदगी देनी होती है वो वापस लौटा देते हैं, वरना जो दूसरी बाकी होती है वो भी ले लेते हैं। अब ये जो रूह निकलती है ना एक हमारे जिस्म से, तो यूं लगता है कि जैसे वो मुख्तलिफ जगहों पे वांडर करती है, यानी घूमती फिरती, और बाज़ औक़ात दूर दराज पहुंच के मसलन किसी मुर्दे से जा मुलाकात करती, क्योंकि रूह तो एक लतीफ चीज है ना। जब माँ के पेट में बच्चे के अंदर आती है तो कोई पता नहीं चलता, जब निकल जाती है तो कोई पता नहीं चलता। इसी तरह रूह दीवारों के पार भी चली जाती है। कुरान पाक में आता है ना कि ऐनमा तकूनू युद्रिक्कुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, यानी अगर बिल्कुल साउंड प्रूफ और हवा प्रूफ जगह पर भी कोई चीज रख दी जाए तो क्या होगा, रूह वहां से भी निकल जाएगी। यानी रूह के लिए ये मादी चीजें रुकावट नहीं है। अब आप देखें जो लोग मर जाते हैं, बाज़ औक़ात आपकी उनसे मुलाकात होती और आपको यूं लगता है जैसे आप उनको छू कर आए, और ऐसा मुमकिन है कि वो जो सोते वक्त एक रूह आपकी निकली वो ट्रैवल करते करते उस मकाम पे जा पहुंची जहां वो मुर्दा रूह थी, और उसने उससे जाकर बातें भी की, कुछ मैसेज भी लिए, कुछ और भी। तो इस सारे को हम वाज़े तौर पर ना जान सकते हैं, इसकी हकीकत ना समझ सकते हैं, लेकिन बाज़ ख्वाबों को इंटरप्रेट करने में ये चीज आपको मदद देगी कि ऐसा किस तरह पॉसिबल है। आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं और रूहानी तौर पर आप ख्वाब में आप कहीं और पहुंचे हुए। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि मैयत आपको कोई चीज दे रही है, मैयत रो रही है, मैयत खुश है, आप उसको देखते हैं, वो बड़े बाग में बैठी हुई है। ये आपने कहाँ से देख लिया, आप तो बिस्तर पर लेटे हुए थे। तो वो जो एक शऊर सोते वक्त निकल जाता है, जिस्म से अलग हो जाता है, वो ट्रैवल कर रहा होता है एक तरह से, और वो ऐसी जगहों पर अल्लाह के इज़्न से ही पहुंच जाता है और उसको वहां की मालूमात मिल जाती हैं। अच्छा, आपको याद होगा वो किस्सा जो शहीदों का वाक़या मैंने आपको सुनाया था, इराक में जो सहाबे कराम की कब्रों में से उनको निकाल कर दूसरी जगह पर दफन किया गया। आपने देखा कि मुस्तकिल कंटिन्यूसली 3 दिन ख्वाब आया एक शख्स, जब उसने इग्नोर किया तो बादशाह वक्त को ख्वाब आया, मुफ्ती आजम को ख्वाब आया, और मुसलसल ख्वाब में वो अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हमें वहां से निकालो, हमारी कब्रों में पानी आ गया। और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या हुआ, दुनिया ने जिसका मुशाहिदा भी किया। तो फिर आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, वो शुहदा कहाँ मिले थे? तो बात यह है कि जैसे हमारी रूह ट्रेवल करती है, कहीं ऐसी जगह जा पहुंचती है तो हो सकता है कि वो उस मकाम तक जा पहुंची हो, ये शहीदों की रूह तो आजाद होती है, उनको इजाजत मिल गई हो कि वो उन लोगों की रूह से जा मिले, क्योंकि सिज्जीन कैद खाने में तो होती है ना वो रूह जिसको मुजरिम रूह जो होती, लेकिन जो मोमिन की रूह है, खासतौर पर शहादा की रूह है, तो जन्नत में क्या कर रही होती है, घूम फिर रही होती, खा पी रही होती। तो ये बिल्कुल एक सच है और हकीकत है कि बसा औकात इंसान ख्वाब में ऐसे लोगों से मुलाकात करके उनके हालात को जान लेता है कि उन पे क्या गुजर रही। मसलन उनको अजाब हो रहा है, ये आम बात है ना कि मैयत को जिस हाल में देखो उसी हाल में होती है। यानी अगर ख्वाब में देखें किसी ने अपने वालिदैन को देखा कि वो बहुत रो रहे हैं फौत होने के बाद, तो क्या करना चाहिए? उनकी तरफ से सदका दुआ करनी चाहिए। ये भी अल्लाह की एक रहमत होती है कि उनको मौका दे दिया जाता है कि वो अपना मैसेज कन्वे कर दें। एक तरह से वो उसके दिल की बात नहीं होती, इल्ला ये कि आप किसी इंसान के बारे में बहुत बुरा गुमान रखते हैं और आप उसे देखते हैं कि वो रो रहा है या कुछ, लेकिन कई और लोग देखते हैं कि वो हंस रहा है, खेल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फिर आप इन दो का कंट्राडिक्शन कैसे दूर करेंगे? तो फिर आप ये देखेंगे कि जिसने ख्वाब देखा है उसका अपना नजरिया उस शख्स के बारे में क्या था, क्योंकि उसकी अपनी बदगुमानी तो नहीं अंदर छुपी हुई थी कि जो सोते वक्त ऊपर उभर आई और उसने वो रूप उस तरह का दिखा दिया। फिर वो हदीस नफ्स में आ जाएगी, दिल की बात में वो चीज आ जाएगी। ठीक, तो नबुव्वत का जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम को कुछ गैब की खबरें दे दी जाती थी, इसी तरह आम इंसानों को ख्वाब के जरिए कुछ गैब की खबरें दे दी जाती हैं। लेकिन किसी भी ख्वाब के सच्चा होने की आप कोई दलील नहीं रखते, एज सच वाज़ेह बात ये नहीं कह सकते कि मैंने जो ख्वाब देखा वो बिल्कुल सच हो जाएगा, ये आप दावा नहीं कर सकते। नबुव्वत का तो दावा किया जा सकता है, लेकिन आप अपने ख्वाब का दावा नहीं कर सकते कि मैंने जो देखा है वो बिल्कुल सच देखा। हो सकता है आपको शैतान ने डराया हो सकता है कि आपके अपने दिल की सोचें और ख्यालात उसमें आ रहे हों, और खुसूसन उस वक्त जब दो मुतजाद आपको खबरें मिले। मसलन एक शख्स आपके पास आता है, वो कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत अच्छा ख्वाब देखा। दूसरा आता है, कहता है कि मैंने आपको अच्छे हाल में नहीं देखा। अब ये फर्क किस चीज का हो गया? उसके अपने गुमान का फर्क है। एक आपके बारे में गुमान अच्छा रखता है, वो आपको अच्छा देखना चाहता है, लिहाजा वो आपको अच्छा देख रहा है, और दूसरा आपसे हसद रखता है और वो आपको हर कीमत पे खत्म होते देखना चाहता है। वो वैसे तो मार नहीं सकता आपको, लिहाजा ख्वाब में मार लेता है और ख्वाब में आपका हाल बुरा देख लेता है। तो वो ख्वाब दरअसल क्या होता है? उसकी अपने नफ्स की बात होती है। इसी तरह बाज लोग जो झूठ से बचते हैं, धोखे से बचते हैं, जिनके अंदर मुनाफकत नहीं होती, जिनके दिल बिल्कुल साफ होते हैं, उनको भी बाज़ औक़ात ऐसे ख्वाब आते हैं कि जो बिल्कुल वाज़े हकीकत एक तरह से नजर आ जाती है। लेकिन कोई शख्स ये खुद से दावा नहीं कर सकता कि जो मैंने देखा है वो मेरे दिल की बात नहीं और वो बिल्कुल बड़ी सच्चाई है, जब तक कि वो चीज अमलन सामने ना आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और बुरा शैतान की तरफ से। यानी अगर आप किसी को बुरा देख रहे हैं या किसी की बुराई देख रहे हैं तो वो दरअसल क्या है? शैतान है आपके अंदर, जो आपको उस शख्स के खिलाफ या किसी खास वाकये के खिलाफ भड़का रहा है, और आप अपनी तसल्ली कर लेते हैं ख्वाब के जरिए। फरमाया, बस जब कोई शख्स पसंदीदा ख्वाब देखे तो उसे सिर्फ उस शख्स से बयान करे जिससे मोहब्बत और एतकाद है। ये मेरा मशवरा नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है आप सब के लिए। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जब कोई अच्छा ख्वाब आप देखें तो क्या करें? उसको बताएं जिससे आप मोहब्बत रखते हो, वो आपसे भी रखता हो, और जिस पर आपका एतमाद हो। जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था बेटे को कि मुझे तो बता दिया, भाइयों का नहीं बताना। और जब मकरूह ख्वाब देखे तो हक ताला से उस ख्वाब के शर और शैतान के फितने से पनाह मांगे। जब बुरा ख्वाब देखे तो उस ख्वाब के शर और शैतान के फितने से पनाह मांगे कि शैतान बहकाने लगा इंसान को। अच्छा, आप देखेंगे बाज़ औक़ात ये होता है कि जिससे हमारा किसी से इख्तलाफ हुआ है, अकीदे में, घर के झगड़े में, किसी जाती उसमें, तो हम कमजोर होते हैं, मजबूर होते हैं, उसको कुछ कह नहीं सकते। तो फिर हम बाज़ औक़ात अपनी तस्कीन कैसे करते हैं? ख्वाबों में करते हैं। मसलन एक लड़का किसी से शादी करना चाहता है और वो कर नहीं पाता, उसको वो रिश्ता मिल नहीं रहा, तो वो ख्वाब में देखता है कि उसकी शादी उससे हो गई है, उस लड़की से। तो बाज़ ख्वाबों की नौयत बस सिर्फ इतनी होती, इससे ज्यादा उसकी हकीकत नहीं होती। अच्छा, बाज़ औक़ात जैसे किसी से जिद है, अदावत है, दुश्मनी है आपकी, अब आप उसको ख्वाब में बुरा देख रहे हैं, उसकी बुराई देख रहे हैं, तो ये दरअसल क्या है? शैतान का शर है जो आप पे गालिब आ गया है। आप उसकी बुराई चाहते हैं, वैसे कुछ कर नहीं पाते, मजबूर हैं आप, तो आप ख्वाब के जरिए वो अपनी तसल्ली कर लेते हैं।